सोनीपत में राइज से एलएसपी युवा नेता प्रतीक से हमारे संवाददाता जयदीप राठी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई योजनाएं पूरी नहीं हुई, अधूरी योजनाओं को अब सरकार पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि जनता सोच समझ कर वोट दे। इसमें हमारे साथ लोकतंत्र शिक्षा पार्टी से राय हलके के युवा अध्यक्ष हैं प्रतीक जी, उनसे जानते हैं। प्रतीक जी, किस तरीके का माहौल लग रहा है आप लोगों के बीच जा रहे हैं और अपनी पार्टी की नीतियों को लेकर जा रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? देखिए, माहौल साफ है। जनता जिन्होंने देखा कि 5 साल लापता होने के बाद ये सारे नेता कोई भी मेंढक की तरह फिर बीच में आए हैं और वादे लेके आ रहे हैं, योजनाएँ लेके आ रहे हैं। और मौजूदा खट्टर सरकार जिन्होंने जिस तरीके से गरीब का मजाक बनाया है, बेशक वो बिजली के महंगे बिल हो या गाड़ियों के चलान हो, गरीब आदमियों के पीले कार्ड कट रहे हैं, बड़ी बड़ी मकान वालों के पीले कार्ड बन रहे हैं। तो अब समय है जनता के पास, वे सोच समझ कर सही चुनाव करें और देखें जो नेताओं ने ठगी करी इन 5 साल उनको सजा दें। तो बीजेपी तो दावा करती है कि एमपी उन्होंने शुरू करवा दिया, केजीपी जो अटका पड़ा था वो शुरू करवा दिया है और जो नेशनल हाईवे का काम चल रहा है वो भी बहुत जल्द पूरा होने वाला है, बालगढ़ फ्लाई ओवर कम्प्लीट कर दो, क्या इनको आप गांवों में गिनती नहीं करते हैं? दरअसल योजनाएं, शिलान्यास और ये सब स्कीमें हर दिन अखबार में डेली आती है, रिबन तो हर दिन कट रहे हैं, वो योजनाएँ पूरी आज तक नहीं। जैसा आपने कहा कि चल रहा है, जल्दी पूरा होगा, वो जल्दी पूरा हम ही करेंगे, हमारी सरकार करेंगे, बीजेपी नहीं कर पाएगी। बीजेपी जो करेगी और जो करती आई है वो आदमियों का जो पागल बनाना, ठगी करनी, एक सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर वो सोचते सारे वोट उनके पड़ जाए। एक ऊपर में नेतृत्व अच्छा काम कर सकता है पर यहाँ पर मौजूदा खट्टर सरकार बिल्कुल तरह से विफल रही है। तो क्या मानते हैं कि इस चुनाव में मोदी लहर हरियाणा में काम नहीं करने वाली है? दरअसल देखो, अगर जनता के रसूख इतने तगड़े हो कि मोदी जी से संपर्क कर ले कि भाई ये हमारी समस्या है, इसको ठीक करा दो, तो जनता सरपंच जी की वोट वहीं गिर देंगे। पर जिससे काम और जिससे समस्या ठीक करवानी है अब उन्हें चुनेंगे। मोदी जी की लहर उसकी हो ना जो कैंडिडेट लड़ रहा हो। मोदी जी तो ये चुनाव लड़ नहीं रहे, अब आती है उम्मीदवारों पे, वो अपनी क्षमता दिखाते नहीं, अपनी काबिलियत दिखाते नहीं और किसी और के उस पर वो चुनाव लड़ते हैं। पर इस बार जनता जागरूक है, पिछली बार झोली खोल के उन्होंने वोट दिया था मोदी जी को, पर अब समय आ गया अपना आदमी चुनने का। तो सबसे बड़ी समस्या क्या देखती है राय हल्के के अंदर? देखो जी, अभी तो समस्या ही है, हल तो कुछ हुआ ही नहीं, 5 साल सिर्फ तमाशा देखा है सरकार ने और गरीबों का मजाक बनाया है। गलियां कम, नालियां बत्ती है, बिजली आती नहीं है और सबसे बड़ी बात है कोई जनता की बात सुनता ही नहीं। तो हमें एक आदमी चाहिए जो हमारे जनता के बीच में से हो, जनता ने अपने आशीर्वाद से चुना हो और वो हमारी समस्याओं को सुने। ये थे प्रतीक शर्मा LSP से, राय से युवा हल्का अध्यक्ष। उनका कहना है कि 5 साल के अंदर, क्या उससे पहले जितनी भी सरकारें रही सभी ने राय की अनदेखी की है और लेकिन अब की बार वो लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स उनको मिल रहा है। अगर उनको मौका मिलेगा तो राय हल्के की सभी समस्याओं को दूर करेंगे। सोनीपत से कैमरामैन विमान के साथ जयदीप राठी, R9 TV।